सर, गांधी जी स्वदेशी के पक्षधर थे, लेकिन आज देश में विदेशी कंपनियां हावी हो रही हैं, इसका बड़ा गांधी जी ने, मैं एक बात कहता हूं जी, गांधी जी मानवता के पक्षधर थे जी। मानवता कैसे बचेगी और कैसे बढ़ेगी, इसके लिए उनके विभिन्न विचार थे। वो चाहे तालीम हो जी, वो चाहे स्वदेशी स्वदेशीकरण हो जी, वो चाहे लघु उद्योग हो जी, वो चाहे ताकतों का विकेंद्रीकरण हो, वो सत्य हो, अहिंसा हो, उनके जितने भी सिद्धांत हैं जी, वो सारे के सारे मानव को बचाने और मानव को बढ़ाने के लिए हैं जी। मैं गांधी जी के विचारों को मानव केंद्रित, मानवता केंद्रित विचार मानता हूँ जी। जहाँ तक ये स्वदेशी और विदेशी का सवाल है, गांधी जी ने खुद कहा कि मैं बड़ी मशीनों और बड़े कारखानों के खिलाफ नहीं हूँ। जहाज बड़े कारखाने में बनेगा, रेल बड़े कारखाने में ही बनेगी जी, बहुत सी चीजें बड़े कारखाने में बनेंगी, लेकिन जो चीजें छोटे कारखाने में बन सकती हैं, जो चीजें गांव गली में बन सकती हैं, जो चीजें ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती हैं, वो बड़ों के क्षेत्र में जाए, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। ये दुर्भाग्य है कि अब एक ही आदमी सुई से लेकर के जहाज तक सब बनाने की कोशिश कर रहा है। ये निश्चित तौर पर पूंजीवाद की पराकाष्ठा है और जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जिसके कारण देश में आर्थिक संकट है, जिसके कारण गांव में संकट है, जिसके कारण विश्वास का संकट है, जिसके कारण गांव से पलायन है, जिसके कारण फुटपाथों पर लोग सो रहे हैं, सोने के लिए मजबूर है, जिसके कारण औरतें अगर रोटी नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं शरीर बेचने को मजबूर है, और जिसके कारण बच्चे चौराहों चौराहों पर हाथ फैलाने के लिए मजबूर है। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था पूंजीवादी, घनघोर पूंजीवादी व्यवस्था इस देश का कल्याण करने वाली नहीं है, और इस देश को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, गांधी जी की प्रतिमाएं कई देशों में लगी हैं, लेकिन अपने ही देश में कुछ राजनीतिक दल गांधी जी को गालियां देते हैं। गांधी जी की सिर्फ प्रतिमा नहीं लगी है जी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो कॉमन सभा है जी, सामान्य सभा जी, उसमें गांधी जी की तस्वीर लगी है जी। मुझे लगता है 100 से ज्यादा देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं लगी हैं जी। 100 से ज्यादा देशों में ही गांधी जी के नाम पर कोई ना कोई संस्थान चलते हैं, उनके नाम पर शोध कार्य होता है जी। पूरी दुनिया के लिए गांधी जी एक अजूबा है। आइंस्टीन जैसा बड़ा वैज्ञानिक जिसको दुनिया मानती है, उसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास ही नहीं कर पाएंगी कि गांधी नाम का कोई पुतला और मांस का पुतला इस जमीन पर चला था। और उन्होंने कहा था इस सदी के दो आश्चर्य हैं, एक अणुबम और एक महात्मा गांधी। इससे बड़ी बात मुझे लगता है नहीं कही जा सकती। उस गांधी को अगर कोई गाली दे रहा है तो वही कहावत है कि अगर सूरज पर थूकोगे तो जो परिणाम है वो सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, गांधी जी पर आपने शोध किया है, आपने क्या पाया? मैंने पहले जो शुरुआत की जी, गांधी को लोग औद्योगिकरण, गैर औद्योगिकरण, कृषि आधारित कार्य और तरह तरह से देखते हैं जी। मैंने गांधी जी पर एक कार्यक्रम चलाया था, ये बापू को जाने, स्कूली बच्चों में चलाता था जी। मैंने उसमें मानवता को मुख्य विषय रखा। मेरा कहना है कि मानव अगर जिंदा रहेगा तभी सब कुछ होगा, मानव अगर विकसित होगा तभी सब चीजें विकसित होंगी। उसके विकास के लिए वो कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, कौन सा उद्योग होना चाहिए, कौन सी कृषि और किस तरह की कृषि होनी चाहिए, मिलावट वाली हो या बिना मिलावट वाली जो पुरानी होती थी वो जी, उसके लिए कौन सी विदेश नीति हो, कौन से काम हो, वो सारे के सारे मानव आधारित होने चाहिए जी। मुझे लगता है कि गांधी जी इस दुनिया में मानवता के लिए लड़ने वाले एकमात्र और सबसे बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, इसीलिए सारी दुनिया आज उनको मानती है।